दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिंडोरी में हुई वाहन दुर्घटना में 14 व्यक्तियों के असामयिक निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति व परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके को घायलों के उपचार और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए डिंडोरी भेजा गया है। घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाकर समुचित कार्रवाई की जाएगी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई उसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। मैंने तुरंत मौके पर हमारी साथ की मंत्री संपतिया उइके जी को भेजा है, साथ ही मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपया। वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पे हुए सबको 1-1 लाख रुपये देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। मैं कोशिश करूँगा कि ये, खासकर मुझे जानकारी में आई कि रात की, बीती रात की घटना है, पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि चालक दारू पिए हुए है, क्या है, कैसा है। यद्यपि वाहन में जो सवारियां हैं वो वाहन भी उनका निजी वाहन है, और निजी वाहन में खुद ने खुद के परिवार के लोग सारे बिठाए हुए हैं, कोई वो भाड़े की कोई किराए की गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जांच करने के लिए मैंने इसके आदेश दे दिए हैं। इसकी रिपोर्ट आएगी, जो जो जवाबदार होगा उस सब संबंध में कार्रवाई की जाएगी। जो मैंने कहा है वैसा अभी तो हमने किया है, जैसा और आवश्यकता पड़ती है वैसे काम करते जाएंगे।